अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौ रक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते, मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा, फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौ रक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता